और मैं लगातार एक ही काम करता चला गया। मैंने प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान दिखाता चला गया। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आए तो बेस्ट, नहीं तो 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 मैंने 4 साल किया। क्या काम किया? आए तो बेस्ट, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके कुछ 4-6 लोग ऐसे होते हैं जो मना करते ही वो कहते हैं अब जी के क्या करेंगे, सब कुछ लूट गया। 4-6 लोगों के मना करने के बाद अपने बच्चों का गला घोट देते हैं और उन लोगों की बातों में आ जाते हैं और कहते हैं सर मैं नहीं कर सकता। मेरे दोस्त, जिंदगी में जैसा बनना है उसी की कॉपी करना। और मैं चाहता था लाखों कमाना, मुझे भी मिले। मैं जब लोगों को प्लान दिखाता था, मैं लोगों को बताता कि ऐसे काम कर सकते हैं, आप भी कमा सकते हैं लाखों रुपया, और यहां से इतने सारे लोगों ने जिंदगी बदली है, तो वो लोग मेरे से एक बात कहते, बात तो तेरी सही है लेकिन एक बात बता, ये कंपनी भाग गई तो? मैंने कहा यार भागेगी नहीं, 14 साल हो गए हैं और आज लगातार ग्रोथ कर रही है। फिर कह रहा ठीक है लेकिन मेरे 2 नहीं बने तो? मैंने कहा 2 भी बनेंगे, जब इतने सारे लोगों के साथ बने तो तेरे साथ भी बनेंगे। बोला ठीक है लेकिन मैं डायमंड नहीं बना तो? मैंने कहा यार इतने लोग बने तो आप भी बनोगे। बोला ठीक है लेकिन 2 लाख सप्ताह नहीं आया तो? मतलब जहां देखो ये तो ने ऐसी तैसी कर दी, जिधर देखो जिधर तो नहीं तो नहीं तो, और ये नहीं तो ने मतलब मुझे बहुत परेशान किया। तो सर से मैंने बोला कि मैंने कहा सर ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं क्या करूं, तो सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई। और जब दूसरी बार मैं गया उसने भी ऐसा ही बोला कि कंपनी भग गई तो, पैसा नहीं आया तो? तो मैंने एक ही बात बोली, मेरे दोस्त अगर ये तो ही लगानी है ना तो सही जगह लगाओ। तुमने तो लगा रखी है दूसरी जगह, नेगेटिव जगह लगा रखी है, लेकिन 1% ये लगा के देखना, अगर तू डायमंड बन गया तो, अगर तू 8 लाख कमाने लग गया तो, अगर तेरे घर में एक लग्जरी कार आ गई तो। तो बोला बात तो सही कह रहा है। उस दिन के बाद मेरे साथ काम होने लगा और लोग मेरे साथ आने लगे। और दोस्तों आज बताते मैं बड़ी खुशी और बड़ी प्राउड फील करता हूं, एक अननोन व्यक्ति के रूप में एक प्रोडक्ट आपके सामने, विनोद शर्मा कहां गए? अननोन व्यक्ति था, मेरा जान पहचान में कोई नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ बताने का काम किया। और बताने के बाद मुझे एक डायमंड मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं? तो मेरे दोस्त लोग कहते हैं नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, मैं कह रहा दुनिया में कोई भी काम करो हर काम के 2 पहलू होते हैं कि नहीं होते हैं। बच्चे को आप कोई भी डिग्री डिप्लोमा करवाएं उससे पहले सोचो फेल हो गया तो? अजी कितने माँ बाप सोचते हैं ऐसा, डॉक्टर के पास ऑपरेशन कराने जाते बोला मर गया तो? क्यों नहीं सोचते, मरते नहीं? नई गाड़ी खरीदने जाते हैं उससे पहले सोचते नहीं ठुक गई तो? होती नहीं है क्या ऐसा? नहीं होता बताओ मुझे। अरे होता कि नहीं? क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे साथ ऐसा। यस या नो? और तो और पूरे जीवन भर के लिए गले की घंटी बना लेते हैं, शादी करने से पहले नहीं सोचते बीबी फट गई तो? हाँ जी, अरे भक्ति नहीं है क्या? बहुत सी भक्ति है यार, न्यूज पेपरों में देखो, टीवी चैनलों में देखो, ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं? अरे ये तो ही लगानी है तो सही जगह लगाओ यार। दुनिया की भग सकती है लेकिन अपनी भगने वाली कभी नहीं है। यस या नो? यस या नो? मुझे भरोसा है अपने आप पे और मेरी को भी भरोसा है मेरे पे, अपनी नहीं भगेगी। सही है कि नहीं? मैं कंपनी की बात कर रहा हूं, अदरवाइज मत लेना कुछ। अजी कितने लोग चाहते हैं कि सेब तो आज ही भग जाए? कितने लोग चाहते हैं 2 लाख सप्ताह नहीं आए? कितने लोग चाहते हैं मैं डायमंड नहीं बनूं? तो गाय को दिमाग खराब कर रखा है यार। एक बार ये लगा के देखो कि 4 साल में मैं डायमंड बन गया तो,
चार साल में मेरे घर में 2 लाख सप्ताह आने लग गया तो 4 साल में मैं भी सर की तरह जैगुआर में चलने लग गया तो यस या नो? यस या नो? जिंदगी बदल जाएगी यस या नो? दोस्तों मैंने वो तो की ऐसी तैसी करके मैंने तो को सही जगह फिट कर दिया और मैं लगातार काम करते चला गया। बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाई, बहुत सारे लोगों ने सब कुछ किया और तो और अपने घर वाले सबसे ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, सही है कि नहीं? Yes. मम्मी पापा ले लो, मैडम ले लो, पड़ोसी ले लो, दोस्त बोलो, ये सबसे ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और अपना मजाक उड़ाने जब दुखी होती है, सही है कि नहीं? Yes. और मेरा पापा एक ही बात कहता था, साले तू तो बर्बाद होगा, हमें और बर्बाद करेगा। ऐसे कंपनी वाले पहले भी हमने देखे, हमारे गांव में बहुत घूमते थे कोट पैंट पहन के, आज उनके घर पे लोग कर्जा मांगने आते हैं। लेकिन मैंने एक ही बात बोली कि मैंने किसी का 1 रुपया लगाया नहीं है, सही है कि नहीं? Yes. हमने सिर्फ लोगों को दुकान बताई कि यहाँ से खरीदारी करेंगे तो आप भी कमा सकते हैं 8 लाख रुपया महीना, सिर्फ मैंने दुकान बताई है, मैंने किसी का पैसा नहीं तो मांगने के लिए तो कोई आ ही नहीं सकता, सही है कि नहीं?